गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ हमदर्द रोगन बादाम शरीम ऑयल का रिव्यू शेयर करने वाली हूं। जी हां दोस्तों, ये ऑयल कैसा है कैसा नहीं है ये सारी डिटेल आपको इसमें वीडियो में देने वाली हूं। तो दोस्तों वीडियो को कर दीजिए लाइक और मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये हमदर्द रोगन बादाम शरीम की ये बॉटल है और ये बॉटल जो है 25 ml की क्वांटिटी, प्राइस 103 rupees है फॉर 3 years, मतलब जो शेल्फ लाइफ इसकी 2 से 3 साल है, ये आराम से चल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो बिल्कुल भी नहीं आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि अगर मैं यूज नहीं करूँ तो एक्सपायर हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, आराम से आप इसे रख करके यूज कर सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको स्मेल बता दूँ कि स्मेल है और ये अंदर से दिखता कैसा है, तो मैं आपको दिखा जी। तो मैंने इसे अपने हाथों पे लिया। बात करूँ सबसे पहले स्मेल की बात करूँ तो उसकी जो स्मेल है बहुत ज़्यादा प्योर, जैसे बोलूँ जैसे 100% प्योर ऑर्गेनिक या बोलूँ 100% प्योर जो आमंड ऑयल होते हैं, बिल्कुल वैसी स्मेल है इसकी, बिल्कुल मीठी मीठी स्मेल है, मुझे इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा पसंद है। जी हाँ, अब मैं आपको उसका टेक्स्चर भी दिखा दूँ। उसका जी हाँ दोस्तों, उसका जो टेक्स्चर है बिल्कुल नॉन ग्रीसी है, बिल्कुल भी चिपचिप नहीं है। जी हाँ, मैं आपको अब दिखा दूँ, ये देखो आप देख सकते हैं मेरी स्किन में ये इजी एब्जॉर्ब हो रहा है। इसको लगाने के बाद मुझे बिल्कुल भी चिपचिपा फील नहीं हो रहा और आप इस सीजन में भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जी हाँ, बात हो गई इसके टेक्स्चर की और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसे यूज़ किया और मुझे कैसा लगा। तो सबसे पहले बात करती हूँ स्किन की। तो मैंने इसे अपने स्किन पर अप्लाई किया था क्योंकि मेरी जो स्किन थी बहुत ज़्यादा डल हो रही थी, और जब मैंने इसे यूज़ किया तो इससे सबसे पहले बात तो है, जैसे हमारी स्किन है कॉम्बिनेशन है या ऑयली स्किन टाइप की जो स्किन होती है उनको बहुत जल्दी एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है जब अपने फेस पे ऑयल यूज़ करते हैं। तो मैंने इसे जब यूज़ किया तो मैंने इसकी कुछ ड्रॉप्स को यूज़ किया अपने जो रेगुलर क्रीम थी या एलोवेरा जेल में मैंने इसे मिक्स करके यूज़ किया, तो मेरी जो स्किन थी सॉफ्ट एंड हाइड्रेट हो गई एंड जो उसके बाद मेरे फेस पे ग्लो आया इसको लगाने के बाद। जी हाँ, तो अगर आप इसे अपने स्किन पे अप्लाई करते हो तो ये बहुत अच्छा काम करता है। स्किन को आपकी स्किन अगर रफ हो रही है, डलनेस हो गई है इस पर, बिल्कुल भी शाइन नहीं है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करती है। स्किन की बात कर रही हूँ। बालों की बात करूँ, बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रही है, तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करना बहुत आसान है, जैसे आप सारे ऑयल्स को लेकर के मसाज करते हो सिंपल, आप रात में इसे अपने बालों में अप्लाई करो, सुबह हेयर वॉश कर लो, आप हफ्ते में इसे 2 से 3 बार करके देखो, ट्रस्ट मी आपकी जो बाल हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, बालों में शाइन आ जाएगी एंड वॉल्यूम भी आ जाएगा, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। जो मैंने यूज़ किया मैं आपके साथ वो बता रही हूँ। आपकी बेबी है और बहुत छोटा करीब 1 या 2 साल का है, तो आप इस अपने बेबी के से मसाज कर सकते हो, बेबी के लिए सेफ है बिल्कुल जैसे मैं बता रही हूँ, तो बेबी की मसाज कर सकते हो, इससे आपकी बेबी की जो स्किन है वो सॉफ्ट होगी, हाइड्रेट होगी इसके भी स्किन दिन भर। आप देखो अगर आप विंटर में मैं अभी के लिए आपको सजेस्ट नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ अगर आप विंटर में इसकी मसाज करते हो तो आपकी बेबी की जो स्किन है वो सॉफ्ट, मतलब ये बेबी के लिए भी सेफ है, ये इतना प्योर ऑयल है कि आप इसे अपने बेबी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से इसके जो बेनिफिट हैं वो ज़्यादा है। नेगेटिविटी की बात करूँ या इसके माइनस पॉइंट की बात करूँ तो सिर्फ एक है, इसकी जो बॉटल है आप देख सकते हैं ग्लास बॉटल है, ये बॉटल जो इसकी है या पैकेजिंग बोलो बिल्कुल भी ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है। मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ तो मुझे हमेशा ये रहता है कहीं से मैं बैग में रखूँ तो ये लीक नहीं हो जाए, क्योंकि इसके साथ ये प्रॉब्लम है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसे ट्रैवल करते हो अपने साथ इसे कहीं लेकर के जाते हो तो इसमें बॉटल अक्सर लीक कर जाती है या ऑयल जो होता है वो बिल्कुल सब जगह लग सा जाता है, तो इसकी जो बॉटल है बिल्कुल भी ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है, और इसकी बॉटल अब तक जैसे चलती है इतने सालों से उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो इसका नेगेटिव पॉइंट बोलूँ तो मेरे ख्याल से यही है, और ओवरऑल की बात करूँ तो ये बहुत अच्छा ऑयल है। अब तक मैंने जितने भी ऑयल्स यूज़ किए हैं आई थिंक दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ऑयल, तो अगर आप इसे यूज़ करते हो तो बहुत अच्छा है। और रेटिंग की बात करूँ तो मैं पर्सनली 5 में से 4.5 की रेटिंग दूँगी, तो आप समझ सकते हैं कि ये ऑयल कितना अच्छा है, और बिल्कुल भी ये महंगा नहीं है, बिल्कुल भी बजट में ही, अगर आप एक बॉटल लेते हो तो आप इसे मल्टीपल यूज़ कर सकते हो। जी हाँ, और इसके साथ में आपको कुछ टॉप 5 यूजेस भी शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहला जो यूज़ है आप इसको कर सकते हैं, आप पूछेंगे मैं इसका यूज़ कैसे करूँ, तो सबसे पहला यूज़ आप कर सकते हैं अगर आपकी स्किन पे डार्क सर्कल है। जी हाँ, जैसे मुझे भी डार्क सर्कल की प्रॉब्लम होती रहती है, तो अगर आपको डार्क सर्कल है तो आप इसको इसकी कुछ ड्रॉप्स लेकर के अपने अंडर आई एरिया इस फिंगर में ऐसे रब करिए, जिससे तेल क्या होगा हल्का सा लाइट वो होगा उसमें गर्मी आ जाएगी, उसके बाद आपको अपने अंडर आई एरिया इस तरीके से मसाज करते हैं तो इसके लिए बहुत ही अच्छा, आप कुछ दिनों में खुद फर्क नोटिस करेंगे, ये बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि इसमें विटामिन ई होते हैं एंड बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं,
तो आपके स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा काम करते हैं, तो ये इसके लिए बहुत अच्छा है, काम करेगा। दूसरा, अगर आपकी आई लैशेज बहुत ज्यादा हल्की हैं, उनमें बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है और उसे आप घना करना चाहते हैं, वॉल्यूम देना चाहते हैं, तो आप इसको आई लैश पे अप्लाई कर सकते हो। सिंपल, आप रात में जब सोते हो उस पर अप्लाई कर सकते हो। ये आप देखिए, कुछ ही दिनों में आपकी जो लैशेज है उसमें बहुत अच्छा फर्क आपको समझ में आएगा, तो आप इस ट्रिक को भी अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा जो मैं बोलूंगी यूज है जो बहुत अच्छा है, आप अपने फेस पे इसे एज अ सीरम भी यूज कर सकते हो। जी हाँ, आप सीरम की तरह यूज नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी का जो सीजन चल रहा है उसमें हमारी जो स्किन होती है ऑयली हो जाती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। तो आप कहोगे मैं आपको ऑयल लगाने के लिए बोल रही हूँ, तो सिंपल है, जैसे मैं यूज़ करती हूँ, आप क्या करिए, आप जो भी नाइट क्रीम यूज़ कर रहे हैं उस नाइट क्रीम में इसकी कुछ ड्रॉप्स ऐड कर लीजिए, दैट्स इट। उसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, उसके बाद अगर आप फेस से अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होगा, आपकी स्किन तो सॉफ्ट होगी, साथ में इसकी जो गुडनेस होगी इस आमंड ऑयल की वो भी आपको मिलेगी। तो ये तीसरा यूज़। चौथा जो मैं आपको टिप्स दूंगी, जी हाँ दोस्तों, मेकअप रिमूवर की तरह भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, आप जब हम मेकअप करते हैं तो मेकअप लगाना तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेकअप रिमूविंग करने में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अक्सर जो मेकअप होता है वो रिमूव इजीली नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हैं, एक कॉटन पैड लीजिए, उसमें आमंड ऑयल को लीजिए हल्का सा, उसके बाद अपने आईज पे अप्लाई कर रहे हैं या लिपस्टिक पे रिमूव कर, बहुत ईजी हो जाएगी। साथ में आपकी जो जो है मेकअप रिमूव करने में जो स्किन ड्राई होती है वो बिल्कुल भी नहीं होगी, तो बहुत अच्छा काम करता है। पांचवा मैं आपको जो बोलूंगी, आप इसे अपने लिप बाम की तरह भी यूज कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी जो लिप्स हैं सॉफ्ट रहें, पिंक रहें। जी हाँ, ब्लैकनेस जो आ जाती है अक्सर लिप्स पे, बहुत फैक्टर होते हैं ब्लैक होने के, तो मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता रही, तो फिलहाल आप उस पर भी अपने लिप्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, इससे आपके जो लिप्स होंगे सॉफ्ट बनेंगे। तो ये मुझे जैसा लगा मैंने इस वीडियो में सारे आपको बता दिया, अपने सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो दोस्तों, अब वीडियो पसंद आएगा और मेरी ये कुछ टिप्स आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं मिलती हूँ हमेशा की तरह दूसरे वीडियोज में नए नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।